इंडिया की बैठक पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता नीतीश राणे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक रखी गई थी। अब भाजपा प्रवक्ता नीतीश राणे ने इस बैठक पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इंडिया अलायंस को हिंदू विरोधी बता दिया। बैठक में शामिल गठबंधन के नेताओं पर हिंदू धर्म के खिलाफ जारी बयानबाजी को सहमति देने का भी आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीतीश राणे ने कहा कि उन्होंने शरद पवार के आवास पर हुई बैठक के बारे में जानकारी मिली। राणे ने बैठक में शामिल नेताओं पर आरोप लगाया कि उन सभी ने सनातन धर्म के विरुद्ध बयान देने वाले, डेंगू मलेरिया बताने वाले डीएमके नेताओं का अभिनंदन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन हिंदू धर्म के खिलाफ बना है, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना है। नीतीश राणे ने इंडिया गठबंधन की तुलना हिटलर से कर डाली। उन्होंने कहा कि हिटलर ने तो जर्मनी से किया, वही इंडिया एयरलाइंस के लोग कर रहे हैं। देश में 90% हिंदू रहते हैं, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म को ही खत्म करने का अभिनंदन किया जा रहा है, ऐसे लोगों को क्या देश की जनता स्वीकार करेगी। राणे ने ये भी कहा कि हिंदू समाज इंडिया गठबंधन को जवाब जरूर देगा। सुनिए उनका बयान।